हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान लिए थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लिए थे और परावर्तन के रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया था। फिर आज की हम आपको जो है इस क्लास में जो है आज दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले हेडिंग हम बना के रखे हैं, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है, सब लोगों के घरों में दर्पण उपयोग करने वाली एक वस्तु है। आपने देखा होगा जब आप लोग बाल वाल झाड़ते रहते तो बाल झाड़ते समय आप लोग दर्पण का उपयोग करते हो, मिरर का उपयोग करते हो, वही आपका दर्पण होता है। आखिर दर्पण क्या होता है, कैसे परिभाषित करें दर्पण क्या होता है, तो आइए हम लोग बताते हैं जरा सा आपको। आपने क्या लिया कि एक कोई चिकना पारदर्शी माध्यम ले लिए, क्या ले लिए, कोई एक चिकना पारदर्शी माध्यम। अब कहोगे पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम वो होता है जैसे कि प्रकाश अगर इस पे पड़े तो पार कर जाए, उस पार दिखाई पड़े, अगर ये प्रकाश गिर ले ऐसे जाए अगर पार कर जाए तो ये क्या कहलाते हैं, चिकना पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब आपको पारदर्शी माध्यम बात समझ में आ गया कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, चिकना, चिकना का मतलब भैया कि उसके जो तल होते हैं खुरदरे नहीं होने चाहिए, चिकने होने चाहिए। चलिए अब क्या होता है कि आपने एक चिकना पारदर्शी माध्यम ले लिया, इसके दो तल है, दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, ठीक भैया। अब बात आती है इसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। अब कहोगे या तो एक लाल रंग का पेंट कर दिया जाता है, लाल ऑक्साइड को पेंट कर दिया जाता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया कि कोई एक चिकना पारदर्शी माध्यम जिसकी एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया कि कोई एक ऐसा चिकना पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए और तथा दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि एक ऐसे चिकना पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण आता है भैया, समतल दर्पण। दूसरा क्या आता है भैया, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या आता है, गोलीय दर्पण, ठीक, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या आता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण का डायग्राम हमने बना के रखा है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो एक ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ देख रहे हैं, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समान तल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे भैया, क्या लिखेंगे, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक। अब समतल दर्पण क्या होता है, आप लोग देखे होंगे आपके घरों में जो उपयोग किए जाने वाले दर्पण है वो सारे दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है कि जिसमें जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आपको सीधा प्राप्त होता है, क्या बनता है भैया, सीधा बनता है। हमने क्या बताया, समतल दर्पण एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसमें जो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि जिसमें अगर मार्कर आप ऐसे रखोगे तो मार्कर की प्रतिबिंब भी आपको सीधा ही दिखाई पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आती है गोलीय दर्पण, क्या हमने बताया भैया, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आता है उत्तल दर्पण और एक क्या आते हैं, अवतल दर्पण। एक क्या आता है, उत्तल दर्पण और एक क्या आता है, अवतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा हमने क्या बताना चाह रहे हैं आपको। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक
अवतल दर्पण। तो चलिए बता दिया जाता है गोली दर्पण क्या होते हैं, एक ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, गोली हो। वो क्या हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। आप लोग इसको देखे होंगे, पुरानी जो बाइकें आती थी, पुराने जो बुलेट्स होते थे, उस बुलेट में क्या लगाए रहते थे, जो दर्पण लगाए रहते हैं, उनके जो परावर्तक पृष्ठ रहते थे वो क्या रहते थे, गोली रहते थे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे भैया, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब हमने बताया कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं हम लोग जरा सा क्या होता है। तो हम चर्चा करते हैं उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो एक ऐसा गोली दर्पण, चलिए यहां बनाते हैं जरा सा उत्तल दर्पण का डायग्राम, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या हो, उभरा हो। क्या हो भैया, उभरा हो या अंदर की तरफ कलई किया गया हो, वो कौन से दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। ये देखिए चिकना, ये वाला जो है पॉलिश किया गया पृष्ठ है, हमने क्या बताया, ये पॉलिश किया गया पृष्ठ है। तो ये इसका जो ऊपर वाला पृष्ठ है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम एक दूसरा पृष्ठ ऐसे बना सकते हैं। ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये जो दूसरा परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या उभरा है, इसमें क्या निकला है, कूबर टाइप निकले हैं। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अगर प्यारे बच्चों कभी भूल जाइएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसका जो ऊ वाला वर्ड है इसको काट लीजिएगा। ऊ का मतलब क्या होता है, उभरा, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। या अंदर की तरफ कलई किया गया हो, या अंदर की तरफ क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया भैया कि चलिए हम लोग जो है क्या स्टार्ट किए थे भैया, एक उत्तल दर्पण के बारे में बता रहे थे कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो और अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक दूसरे दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि आपका अवतल दर्पण क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसको बाहर की तरफ कलई किया गया हो, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, वो कौन से दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये देखिए जिसको बाहर की तरफ पेंट किया गया हो। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में बता सकते हो, दूसरे वर्ड में क्या बता सकते हो, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की तरफ हो, धसा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, एक ऐसा दर्पण, चलिए हम लोग हाथ से समझते हैं जरा सा। अगर हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिए तो इसका देखिए, ये मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ, अगर ये परावर्तक पृष्ठ ऐसे उभरा हो, कूबर निकला हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अगर परावर्तक पृष्ठ धसा हो, अंदर की तरफ झुका हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हो। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक, इसी से एक छोटी सी एक दो हेडिंग और हैं, उनको भी जान लीजिएगा। बोर्ड पेपर में एक कई बार पूछे गए हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न में एक बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो आइए समझाते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता ध्यान समझिएगा, आपने अभी क्या पढ़ा था, ये आपने क्या ले लिया भैया, दर्पण ले लिए,
ठीक मिरर ले लिए, जब आपने इस पर कोई प्रकाश किरण क्या कराए थे, आपतित कराए थे, तो ये क्या हुई थी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई थी, तो ये परावर्तन की घटना कहलाई थी। तो परावर्तन की घटना में ये, चलिए एक बार और लिखते हैं, आपतित किरण, क्या भैया, आपतित किरण, और इस किरण का क्या नाम दिए थे, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया कि डियर स्टूडेंट, अगर यदि हम लोग आपतित किरण को जो है, ये जो ये परावर्तित किरण है, इसको हम लोग अगर आपतित किरण मान लें, हमने क्या बताया भैया, यदि परावर्तित किरणों को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी इनके कहने का मतलब है कि यदि हम लोग प्रकाश किरण इधर से आपतित कराएं, तो यदि प्रकाश किरण हम लोग इधर से आपतित कराएं, तो ऐसे मान लीजिएगा ये जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की तरफ, आपतित किरण मान लिया जाए, तो ये जो आपतित किरण है ना, ये किसका काम करने लगती है, ये परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, उत्क्रमीयता कहलाती है। हम क्या बताएं भैया, यदि आपने क्या किया कि एक बार इधर से आपतित कराया तो ये परावर्तित हुई, अगर इसी परावर्तित किरण को हम लोग क्या मान ले, आपतित किरण मान ले, क्या मान ले, आपतित किरण मान ले। हमने क्या बताया कि इस परावर्तित किरण को अगर हम आपतित किरण माने, तो अगर हमने माना कि ये प्रकाश किरण ये आपतित हो रही, तो ये उसी तरह व्यवहार करती है जिधर से ये आपतित किरण जैसे आई रहती, वही आपकी आपतित किरण क्या होने लगती है, परावर्तित किरण होने लगती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, उत्क्रमीयता कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमीयता कहलाती है। हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, यदि प्रकाश जो आप आपतित कराए, जो परावर्तित हुई, अगर वही परावर्तित किरण आपकी आपतित किरण हो जाए, तो जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण की तरह क्या करने लगती है, व्यवहार करने लगती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमीयता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग अगले क्लास में गोली पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, गोली पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों, हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।